राजधानी रायपुर में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कांग्रेस पार्टी द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक खुशवंत साहेब, अर्जुन शर्मा सहित बीजेपी के प्रवक्तागण मौजूद रहे। इसी दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए किरण देव सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। इनके द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। इन सब के बाद जनता ने 5 सालों में ही इन्हें विपक्ष में ला दिया। समय समय पर कांग्रेस के द्वारा और प्रदेश के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम विषयों पर और एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित करने का प्रयास किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक कांग्रेस सरकार में थी और किस तरीके से न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ वासियों ने, बल्कि पूरे देश ने देखा कि इन 5 वर्षों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया। सभी प्रकार की सीमा लागने का कारण यही था कि 5 वर्ष में ही जनता ने इनको और ये बता दिया कि आपकी सरकार किस तरीके से चलती है और चल रही है और आपको किस जगह पर जाना है, विपक्ष में ला दिया।